आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। मैं शिवम अपने YouTube चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपने Facebook के अंदर कोई भी फोटो कोई भी वीडियो यहां पे आपने गलती से अपलोड कर दिया है या आपने अपलोड किया है और उस फोटो को अब आप डिलीट करना चाहते हैं, उसे आप रिमूव करना चाहते हैं, उस पोस्ट को अपने फेसबुक अकाउंट से हटाना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप कैसे करेंगे और अपने फेसबुक अकाउंट से किसी भी पोस्ट को डिलीट कैसे करते हैं, उसे आप रिमूव कैसे करेंगे, यही मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में सिखाने वाला हूं और आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा अगर आप भी अपने फेसबुक अकाउंट से किसी भी पोस्ट को डिलीट करना चाहते हो, फोटो हो या वीडियो हो या आपका टेस्ट इमेज हो। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फेसबुक ओपन करना है, उसके बाद अपने अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे मैं आपको दो सेटिंग बताऊंगा जहां से आपका परमानेंट फोटो डिलीट हो जाएगा। यहां पे आपको 30 दिनों का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला सेटिंग आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी, आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहां पे आपकी सारी की सारी आपकी पोस्ट देखने को मिल जाती है। जितनी सारी आपकी पोस्ट है देख सकते हैं यहां पर आपकी सारी की सारी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी और जिस पोस्ट को आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, मैं यहां से एक पोस्ट को डिलीट करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं फेसबुक से मैं अपने इस पोस्ट को डिलीट कर देता हूं, जैसे हमारे पास एक ये पोस्ट है जैसा देखने को मिलेगा मूव टू कानपुर उत्तर प्रदेश, और यहां पे नीचे आएंगे तो यहां पे हमारी ये पोस्ट हमें देखने को मिल जाती है। तो इस पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, यहां पे देखने को मिलेगा थ्री डॉट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको देखने को मिल जाता है मूव टू रिसाइकल बिन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपकी फोटो आपकी प्रोफाइल से मूव हो जाएगी, रिसाइकल बिन में ऐड हो जाएगी, स्कैन के बाद आपकी फोटो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। तो यहां पे आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहां से मूव करना है। मूव करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि 30 दिनों के पहले उस फोटो को आप कैसे डिलीट करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहां से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपका प्रोफाइल देखने को मिलेगा, उसके बाद यहां से आपको देखने को मिलेगा थ्री डॉट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक्टिविटी लॉग, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटी लॉग पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आएगा और यहां पर देखने को मिलेगा योर पोस्ट, आपको इस पे क्लिक करना है इस एरो पे, और यहां पर देखने को मिल जाता है फोटो एंड वीडियो, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारी की सारी आपकी फोटो और वीडियो आ जाएंगी। जैसे दोस्तों आपकी सारी की सारी फोटो एंड वीडियो आ जाती हैं, अब आपको यहां पे देखने को मिलेगा रिसाइकल बिन का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे आपकी सारी की सारी वो पोस्ट यहां पे आपको देखने को मिलेगी जो आप डिलीट कर देते हैं, यानी कि जो आपकी पोस्ट रिसाइकल बिन में एड हो जाती है। तो यहां पर देखने को मिलेगा 3 जून और यहां से हमारा 2021, यानी कि इस फोटो को मैंने अभी अभी रिसाइकल बिन में मूव किया है अपने प्रोफाइल से और मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं, तो आपको करना क्या है थ्री डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहां से आपको देखने को मिलेगा डिलीट का ऑप्शन, जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे आपकी पोस्ट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। तो मैं यहां से इसे डिलीट नहीं करना चाहता हूं, मैं इसे अपने प्रोफाइल के अंदर फिर से रीस्टोर करना चाहता हूं, और यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे हो तो आपने प्रोफाइल के अंदर कोई भी पोस्ट कोई भी फोटो कोई भी वीडियो आप ही आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।